शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह आज होंगे सेवानिवृत्त। नए पुलिस के मुखिया के नाम को लेकर असमंजस। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के साथ धोखा कर रहे सीए का विरोध करने वाले। सीए के खिलाफ हुई हिंसा में अब तक 1741 आरोपी गिरफ्तार। सर्जरी से पूछताछ कर सकती है यूपी पुलिस। स्कूटर इंडिया पर लगेगा हमेशा के लिए ब्रेक। इतिहास बनेगी राजधानी की पहचान। आज शुरू हो रहे बजट सत्र के हंगामे में रहने के आसार। सभी मुद्दों पर चर्चा को लेकर सरकार तैयार। अब फेल ओवरी से निकलेंगे अंडे। अमेरिका के सफल प्रयोग के बाद भारत में भी जल्द मिलेगी सुविधा। रायबरेली में दिव्यांग युवती से सामूहिक दुष्कर्म। ऑटो चालकों ने स्टेशन छोड़ने के बहाने दिया वारदात को अंजाम। बेहमई नरसंहार केस में कोर्ट ने नहीं पेश की मूल केस जारी। 12 फरवरी तक फिर टल गया फैसला। लखनऊ पहुंची सैटेलाइट मार गिराने वाली मिसाइल। भारतीय सेना के युद्धक टैंक T-90 को लखनऊ में भी दिखाया अपना कौशल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते से करेंगे चुनाव प्रचार। प्रशांत किशोर 11 फरवरी को करेंगे बड़ा ऐलान। कहा बंद करें अफवाह अटकलबाजी। शाहीन बाग धरने में होने वाले खर्च आम आदमी पार्टी के खाते में छोड़ा जाए। भाजपा ने की इसी से मांग। शाहीन बाग का जवाब देंगे भगवा ब्रांड। योगी दिल्ली में करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं। आज से दो दिन बैंकों में हड़ताल। SBI समेत सभी बैंकों के कर्मचारी अधिकारी होंगे शामिल। यूपी में कैबिनेट मंजूरी के बाद 18 फरवरी को विधानमंडल में पेश किया जाएगा बजट। दिल्ली के बदमाशों ने गोलाबारी। एक युवक की मौत, दूसरे को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा आज जारी करेगी घोषणा पत्र। विशेष रणनीति से तैयार किया गया है। जामिया के कुलपति का दावा, पुलिस के सामने मारी गोली। शिक्षक संघ ने बुलाई बैठक। हरिद्वार में दहेज में बाइक और 1 लाख रुपए न मिलने पर दो विवाहिता को जिंदा जलाया, हालत गंभीर। देहरादून शहर में 10 बड़ी कंपनियों और फर्मों पर शिकंजा कसने की तैयारी होगी। करोड़ों रुपए की वसूली। पुलिस ने अनशन पर बैठे साध्वी पद्मावती को उठाया दून अस्पताल में भर्ती। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से मांगा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्यौरा। शिमला में एयरटेल वर्दी के सप्लायर को 4.5 लाख जुर्माना। विभाग ने ऐसे पकड़ा मामला। पंजाब में खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर, सरकारी नौकरी में मिलेगा 3% आरक्षण। पंजाब में पकड़ा गया अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट, 1,000 करोड़ से ज्यादा कलंसा बरामद, 6 गिरफ्तार। दिल्ली चुनाव को लेकर मनोहर लाल बोले, जो अन्ना जैसे संत का नहीं हुआ वो किसी का क्या हो सकता है। इमरान के मंत्री ने माना पाकिस्तान कराता रहता है भारत में बड़े आतंकी हमले। ब्रिटिश कोर्ट ने भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी की बढ़ाई मुश्किल है, अभी लंदन की जेल में ही रहना होगा। यूरोपीय संसद में वोटिंग से पहले पीएम मोदी जाएंगे ब्रसेल्स। मार्च में सीए पर वोटिंग के हैं आसार। दिल्ली चुनाव तक पुलिस कमिश्नर रहेंगे अमूल्या पटनायक। किसी ने बढ़ाया 1 महीने का कार्यकाल। किसी ने मोहल्ला क्लिनिक का वादा करने पर सीएम केजरीवाल को थमाया नोटिस। रांची में गर्भवती नवी की छात्रा के स्कूल पहुंचे मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दोषियों पर सख्त कार्यवाही की चेतावनी। जम्मू के नगरोटा में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कोरोना वायरस ने बिहार में फंसे भारतीयों को लाने के लिए आज जाएगा एयर इंडिया का विमान। लोकसभा बजट से पहले आज पेश होगा आर्थिक सर्वे, राष्ट्रपति का अभिभाषण जारी। विप्रो के सीईओ अबिताली जेठ नीमचवाला ने पद से दिया इस्तीफा। जामिया फायरिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में। जामिया फायरिंग में दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर से प्रदर्शनकारियों को हटा रही है पुलिस। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर, एनकाउंटर जारी। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बाणटोल प्लाजा के पास फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस। कोरोना वायरस से चीन में दहशत में लोग, अभी तक 212 लोगों की हुई मौत है। इटली में कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद चीन की सभी उड़ानों को किया गया निलंबित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली चुनाव का संकल्प पत्र करेंगे जारी। फरुखाबाद का बंधक संकट खत्म, पुलिस ने सिर्फ मेरे आरोपी को मार गिराया, सभी 23 बच्चे बचाए गए। जामिया गोलीकांड के खिलाफ दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शनकारी छात्रों ने जताया विरोध। फरुखाबाद में बंधक बनाने वाला ढेर, पुलिस टीम के लिए 10 लाख के इनाम की घोषणा। जामिया यूनिवर्सिटी की बीसी नजमा अख्तर घायल छात्र से मिलने एम्स पहुंची। एक्स कंटेस्टेंट समीर सोनी ने सीजन 13 को बताया हिंसक बिग बॉस पर उठाए सवाल। उर्मिला मातोंडकर ने कहा, अंग्रेजों के काले कानून जैसा है सीए, गरीबों को होगी परेशानी। बिग बॉस सीजन 13 में हिमांशी को फिल्मी लगा सीम का प्रपोजल, रश्मि के सामने किया बड़ा खुलासा। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।